चंडीगढ़ में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला महत्वपूर्ण संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए और प्रदेश की 67 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पे मास लेवल एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चलाएंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को मजबूती मिले, रोजगार के साधन और अवसर प्रदेश के अंदर बढ़े। कई लोग भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि जब आप संविधान के आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो रोजगार सीमित रहता है सरकारी, नॉन गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर महाराष्ट्र ने आज से 3 दशक से भी ज्यादा पहले कानून लाकर मराठी स्पीकिंग लोगों को 80% रोजगार में हिस्सेदारी देने का कानून लगाया, और उसके बाद 8 अलग अलग प्रदेशों ने भी इस कानून को अपनाने का काम किया। जिस तरह के हालात आज के दिन रोजगार के बने हुए, कहीं ना कहीं ये कानून इसलिए भी जरूरी था कि हमारी 17-18 सरकारी यूनिवर्सिटीज हों, ट्रेडिशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हों, सैकड़ों की संख्या में कॉलेजेस आईटीआईज, उनके शिक्षित युवाओं के आत्मरोजगार को दे पाए और इसके अंदर प्रोविजन भी रखी गई। कई लोगों का एसोसिएशन का इसके ऊपर बड़ा कटास आया। हमने 8 दौर की चर्चा पहले भी करी थी, अब भी उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा करके हमें कोई रूल्स के अंदर टेक्निकल चीजें डालने पड़े तो जरूर डालें, जिसके अंदर इंडस्ट्री हमारे प्रदेश में पहले से भी बड़ी संख्या में आए और इंडस्ट्री को भी स्किल्ड प्रदेश का युवा अब टाइम मैनर के अंदर दे रहे। और उसके लिए जैसे पहले हमने तमाम एसोसिएशन को पत्र लिखकर भी उनके सुझाव मांगे थे, इस हफ्ते के अंदर तमाम जितनी एसोसिएशन है इंडस्ट्री की हमारे प्रदेश, जितने चैम्बर्स हैं देश भर के अंदर, उनको भी हम बिल की कॉपी के साथ रूल्स के लिए उनके सुझाव क्या है इसका पत्र भी लिखेंगे, ईमेल भी करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनके सुझाव को लेने का काम। सोचा खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर